नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मैंने अभय जी से बातचीत करते समय कहा कि कांग्रेस की लिए बड़ी तकदीर है कि कंगना रनौत जी MP बन गई। विपक्ष की जरूरत ही नहीं है, किसी और सत्ता पक्ष की जरूरत ही नहीं है, सत्ता पक्ष के किसी नेता के बयान की जरूरत नहीं है। कंगना रनौत जी अपने प्यारे मुख से ऐसा वचन निकालती हैं कि कांग्रेस की लॉटरी लग जाती है। अब कंगना जी ने फरमाया कि भैया वो 3 किसान बिल जो है वो वापस ले आइए, बहुत अच्छे बिल थे, अच्छे तो रहे होंगे। मोदी जी ने कहा कि बिल तो बड़े अच्छे थे, मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई थी जो मैं आपको समझा नहीं पाया। इस देश में किसान आंदोलन में 800-900 किसानों की मौत हो गई। देश का 1.5 साल चलने वाला आंदोलन था, किसानों ने दिखा दिया कि वो इस देश के वो लोग हैं जो अपने खून पसीने से धरती को सींचते हैं। क्या क्या नहीं कहा गया, उन्हें खालिस्तानी है, आतंकवादी है, लेकिन फिर किसानों के आगे मोदी जी को झुकना पड़ा। अब कंगना जी चाहती हैं कि वो 3 बिल फिर वापस आ जाएं, किसानों के जो काले बिल हैं वो फिर लागू कर दी जाए। और ये फरमाइश उन्होंने हरियाणा चुनाव से ठीक पहले रख दी है। कांग्रेस ही घर बैठे लॉटरी लग गई है। कांग्रेस कह रही है कि मोदी जी तो छोड़िए, पूरी BJP सिर के बल खड़ी हो जाएगी, तब भी वो किसानों के खिलाफ जो बिल है हम उनको पास नहीं होने देंगे। मैंने अभी जानना चाहा कि इनको कंगना जी के को रोकता कोई नहीं क्यों नहीं है, ये पूरी पार्टी की बैठ बजाए हुए हैं। बड़ी रोचक बातचीत की। मैंने पूछा कि ये उत्तर प्रदेश में ये जो एनकाउंटर खेल चल रहा है, जातियों का खेल चल रहा है, योगी आदित्यनाथ के पीछे कौन खड़ा है जो वो इस तरह से कर रहे हैं? संघ का क्या खेल है? संघ क्या योगी आदित्यनाथ को ताकत दे रहा है? बहुत रोचक बातचीत है। चलते हैं अभय जी के पास। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज्वाइन करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अभय जी की बात सुनते हैं। 4PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। मुझे लगता है कि कांग्रेस 1 सीट हारने की सबसे ज्यादा खुशी मना रही होगी, और वो सीट है मंडी की, हिमाचल प्रदेश की मंडी की। कांग्रेस को लग रहा होगा कि कितना अच्छा रहा ये सीट हम हार गए, क्योंकि देश को एक इतनी अच्छी सांसद मिल गई कंगना रनौत जैसी, जो कांग्रेस को इतनी बढ़िया बैटिंग करने का मौका दे रही कि कांग्रेस को जरूरत नहीं है। महान सांसद कंगना जी ने बयान दिया है कि वो जो किसानों के 3 बिल तो मोदी जी ने कहा था कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, उन बिलों को वापस लाना चाहिए, लागू करना चाहिए। मतलब ये महान काम सिर्फ कंगना जी कर सकती थी। कांग्रेस ने बड़ा कसके हमला बोला है कि मोदी जी चाहें तो भी वापस नहीं आ सकते। हरियाणा का चुनाव सिर पर है और कंगना जी ने दूसरा बयान दिया। पहले कह दिया किसान आंदोलन में रेप हो रहे थे, लाशें पड़ी थी, और आज उनकी ये मुख वाणी से आया है कि 3 बिल भाई वापस ले आओ, किसानों के बिल लागू कर दो। क्या मैं ये जानना चाहता हूँ कि कंगना रनौत जी की अभी मानसिक स्तर वही है कि आजादी 2014 के बाद मिली थी, पहले प्रधानमंत्री सुभाष बोस थे, या फिर वो चाहती है कि BJP का बेड़ा गर्क हो जाए? कोई रोकता क्यों नहीं है कंगना जी को? क्या लग रहा है पूरे नहीं उन्हें नड्डा जी ने बुला के समझाया था, रोका भी था। समस्या कुछ और है। समस्या ये है कि कंगना रनौत वो बोलती हैं जो नरेंद्र मोदी के मन में है, लेकिन नरेंद्र मोदी उसे लागू नहीं कर पा रहे। यह जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मन में है, लेकिन वो उसको कह नहीं सकते, उसको लागू नहीं कर सकते। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि कंगना रनौत भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना सांसद बनाया है, टिकट दिया है, सांसद बनाया है, तो वो भाजपा की काफी सेवा करेंगी। पहले भी उन्होंने सेवा की थी, अभी भी वो सेवा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी भी सेवा कर रही है। उनकी सेवा का जवाब एक CISF की एक महिला कांस्टेबल ने दिया था, महिला कांस्टेबल ने उनको सेवा का जवाब दिया था। ऐसे ऐसे जवाब उन्हें अभी और मिलेंगे, वो खास तौर से किसानों द्वारा मिलेंगे। अब इसमें आप ध्यान से देखिए पूरा मामला हो क्या रहा है। क्योंकि कंगना रनौत सीधे सीधे प्रधानमंत्री की जो ग्लोरी है, प्रधानमंत्री की जो प्रधानमंत्री का जो प्रभा मंडल है, उस प्रभा मंडल की आभा से चमकती है वो राजनीति में। वैसे तो वो फिल्म स्टार है, बहुत अच्छी फिल्म स्टार है, फिल्म स्टार के तौर पर मेरे दिल में उनके लिए बहुत सम्मान है। वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, उन्होंने बहुत ऐसा काम किया है जो कम फिल्मी तारिकाओं ने काम किया है। लेकिन राजनीति में उनकी जो भी जगह है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से है, क्योंकि वो सीधे सीधे उनका उनसे ताल्लुक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रिफ्लेक्टेड ग्लोरी में ही वो चमक रही है। इसलिए भाजपा का कोई भी व्यक्ति उनके खिलाफ कोई वक्तव्य नहीं देता, कंगना रनौत की कोई आलोचना नहीं करता उन। जो वो कहती हैं उसको सब लोग चुप रहते हैं। फिर बड़ी नरमी से नड्डा साहब या उन जैसा ही कोई पदाधिकारी उनको बुलाता है और उनसे कहता है कि भाई जरा संभल के बयान दीजिए, आप ऐसा मत कीजिए। लेकिन कंगना रनौत तो रुक नहीं सकती हैं, वो फिर बोलेंगी और फिर भाजपा को जो भी इसका लाभ हो, भाजपा को इस बयान का बहुत लाभ होगा।
भारतीय जनता पार्टी को जो बयान दिया है उन्होंने कि किसानों के बिल वापस आने चाहिए, हरियाणा में भाजपा के इससे वोट बढ़ जाएंगे और तो वो भाजपा की लगातार सेवा करती रहेंगी, मेरा ये मानना है। और वो अभी रुकेंगी नहीं यहाँ पर। देखिए ये अलग तरह का मामला है, ये साध्वी प्रज्ञा ऐसा मामला नहीं है, ये अनंत हेगड़े ऐसा मामला नहीं है, ये लल्लू सिंह जैसा मामला नहीं है। ये लोग तो राजनीतिक लोग हैं, वो गौडसेवादी हों या कोई भी हों, लेकिन ये लोग तो राजनीतिक लोग हैं। इसलिए राजनीतिक लोग समझते हैं कि वो क्या बयान दे रहे हैं और वो क्यों बयान दे रहे हैं, इसके फायदे नुकसान क्या होंगे। भले ही भाजपा में कुछ लोग नाराज हो जाए, भाजपा को नुकसान हो जाए, लेकिन उनकी अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, गौडसेवादियों की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो तो खुश हो जाएगी, वो तो उनको अपना हीरो मानेगी। लेकिन कंगना रानावत की कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं, उनकी एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसका नाम है नरेंद्र मोदी। तो सीधी सीधी अपनी ताकत, अपना प्रभाव, अपना रुतबा सीधे नरेंद्र मोदी से प्राप्त करती हैं। तो जो भी वो बोलती हैं या जो भी उनकी गतिविधियां होती हैं, वो दूसरे, वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता के लिए अनकंट्रोलेबल है, उसमें वो लोग नियंत्रण नहीं कर सकते उसमें। अच्छा, बाकी लोगों को कंगना रानावत जो बोलती है उसकी जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी को उसका जवाब देना चाहिए। तो आपका कहने का मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी जी के दिल में चल रहा होगा कि किसानों के लिए फिर वापस ले आओ बिल, वो किसान जो बेचारे आप वो भाषण भूल गए उनका, जब उन्होंने किसान बिल वापस लिए थे वो लेक्चर आप भूल गए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये तो नहीं कहा किसान बिल खराब है, उन्होंने ये कहा था बिल्कुल आपके हित में लाए थे हम, हमारी हम आपको समझा नहीं पाए अपनी बात, हमारी तपस्या पूरी नहीं, तपस्या पूरी नहीं हुई थी, हम आपको बात नहीं समझा पाए, अगर अपनी बात समझा देते तो आप हमारी बात मान लेते तो आपके हित में थे। नरेंद्र मोदी जी इस बात को मानते ही हैं और भारतीय जनता पार्टी के बहुत से पैरोकार भी इस बात को मानते हैं, खासतौर पर यूट्यूब में जो लोग सक्रिय हैं भाजपा के, उनके भी कुछ अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो लोग भी इस बात को मानते हैं कि ये किसानों ने बड़ी मूर्खता की उन बिलों का विरोध करके। तो ये एक पूरा तबका है जो इस बात को मानता है और लगातार इसकी पैरोकारी करता है, वो समझते हैं कि भारत सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो तीन विधेयक उसने कानून में बदले थे उन्होंने बिल्कुल ठीक किया था, उससे भारतीय कृषि का हित होगा, ये किसान या तो मूर्ख हैं या बदमाश हैं, मतलब इस प्रकार की उनकी भाषा होती है। और कंगना रानावत दरअसल उसी चीज को व्यक्त कर रही है अपनी शैली में, जाहिर है भाई वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है तो उनकी भाषा शैली इस तरह की नहीं होती है। वो आपने देखा होगा वो आमतौर पर एक दो वाक्य बोलती हैं और वो भी कुछ इस तरह से बोलती हैं जैसे कि उन्हें कोई इल्हाम हुआ हो, एकदम मतलब ईश्वर से, ईश्वर की वाणी उन्हें प्राप्त हुई हो और अचानक उनके मुंह से उसके दबाव में वाक्य निकला हो, मतलब इल्हाम हुआ हो, इस उनकी पूरी शैली इस प्रकार की होती है। तो वो एक खास तरह की सांसद है, खास तरह का उनका पैटर्न है और एक खास जगह से उनको पूरी शक्ति प्राप्त होती है। तो भारतीय जनता पार्टी की आम सांसद नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की आम पदाधिकारी नहीं है, वो इन सबसे ऊपर है। तो ये बात मोदी जी नहीं समझ रहे हैं कि कंगना जितना बोल रही है उतना बीजेपी का नुकसान हो रहा है, उतनी बैंड बज रही है। मोदी जी को देखिए सबकी परवाह नहीं है, तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं, अब क्या वो दसवीं बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे? आप बताइए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, 74 साल के हो गए हैं, अगर ये सरकार 5 साल तक चल गई तो वो 79 ईयर्स के होंगे, 78 या 79 साल के होंगे उसमें। उस वक्त तो उनको प्रधानमंत्री बने ना बने उससे क्या फर्क पड़ता है, उन्होंने तो अपना रिकॉर्ड बना लिया, जवाहरलाल नेहरू के बराबर उन्होंने रिकॉर्ड बना लिया। यही तो मीडिया कहता है कि भाई तीन बार एक प्रधानमंत्री बना लगातार, एक दूसरा प्रधानमंत्री ये बना लगातार। तो मोदी को जितनी उपलब्धियां करनी थी वो सब कर चुके हैं, अब तो समस्या ये है कि मोदी अपने पीछे जो विरासत छोड़ेंगे, संगठन के रूप में भारतीय जनता पार्टी छोड़ेंगे, सरकार के रूप में सरकार छोड़ेंगे, शासन प्रशासन के रूप में गवर्नेंस की जो उनकी लीगेसी होगी वो लीगेसी क्या होगी, उसको ये लोग भाजपा वाले कैसे संभालेंगे, कैसे उसका बचाव करेंगे और विपक्ष उसके साथ क्या सलूक करेगा। आप देखिएगा जब अगले साल बिहार चुनाव होकर खत्म होगा अक्टूबर नवंबर में, यानी 6 चुनाव हो चुके होंगे 6 विधानसभाओं के, और भाजपा इनमें से ज्यादातर में कम से कम 4-0 होगा नतीजा, या 5-1 होगा या 4-2 होगा, इस प्रकार के नतीजे होंगे। जब ये हो चुका होगा उसके बाद लोग मोदी की लीगेसी, मोदी की जो विरासत है उसकी चर्चा कर रहे होंगे उस वक्त, और मोदी जी अपने रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे होंगे उस वक्त, क्योंकि ये साल खत्म होने वाला है
और आप अगला साल और मान लीजिए, मोदी जी के पास इतना ही समय है, तो बार बार मैं कह रहा हूँ मोदी के पास ज्यादा समय नहीं है, वो जानते हैं भाई 3 बार रैली है प्रधानमंत्री, और उससे ज्यादा आदमी क्या तीर मारेगा, और वो भी जानते हैं कि भाई इस बार प्रभाव क्षेत्र में 77-77 सीटें कम हुई हैं, अगली बार मान लीजिए इसमें 50 और जुड़ गई तो वैसे भी भाजपा सत्ता में नहीं आ पाएगी। कोई इस बार इस भाजपा में कोई इस बात की गारंटी ले सकता है कि अगले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी? तो जिसको जो करना है वो इसी कार्यकाल में करना है। मोदी जी जितने दिन तक हो सकेगा कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री बने रहेंगे, लेकिन दूसरे लोग जो प्रधानमंत्री बनने के लिए आतुर हैं, उनको लगता है अगली बार तो मौका मिलने वाला है नहीं, तो इसी बार करने की कोशिश करेंगे। ये भाजपा के भीतर में एक अंतर संघर्ष भी पैदा होगा, भाजपा के भीतर एक तरह की जद्दोजहद भी पैदा होगी, वो बहुत ही स्वाभाविक है ऐसा होना। भाई आप 240 सीटें नहीं आएंगी दोबारा, हाँ ठीक बात है, हाँ आप 240 सीटें नहीं आएंगी, पता नहीं कितनी कम हो, जब इनकी नहीं आएंगी सीटें तो कांग्रेस की बढ़ेंगी उसी के अनुपात में। भाई आप सोचिए भाजपा की 63 सीटें कम है बहुमत से, तो कांग्रेस की 50 बढ़ गई, सही बात है, बड़ी बात है, भाजपा की वही सीटें तो कांग्रेस की बढ़ी हैं, 13 ही सीटें तो ऐसी हैं जो दूसरी वजह से भाजपा की कम हुई है, तो भाजपा की अगर और कम होंगी तो कांग्रेस की उसी रफ्तार से बढ़ेगी, कांग्रेस जाएगी सरकार में, उसके नेतृत्व में इंडिया गठबंधन बनाएगा सरकार। ये तो लिखा हुआ है दीवारों पर, जिसको जिसको जो अंधा है वही नहीं पढ़ पा रहा है इसको। लेकिन मोदी जी को ये नहीं लग रहा कि चलो ठीक है दोबारा नहीं अगली बार खड़े होंगे प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन अभी मौजूदा रहते हुए का कंगना जैसे बयान आते रहे तो ये जो राज्यों के चुनाव में कुछ सफाया जो आप कह रहे हैं उससे भी ज्यादा सफाया हो सकता है। आप ये संजय जी आप ये क्यों नहीं देखते कि ये वो नरेंद्र मोदी नहीं है जो कि पूरी ताकत से विधानसभा चुनावों में कूद पड़ते थे, और अगर वहां की भाजपा कह रही है कि सर जी पांच रैली कीजिए तो मोदी कहते हैं हम तो 7 करेंगे, अगर वो 7 कह रही है मोदी बोले 10 रैली लगाओ मैं 10 जगह भाषण दूंगा। अभी देखिए क्या हुआ है हरियाणा में, जहां भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार है और जहां पर एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ सब लोग जानते हैं, वहां पर मोदी जी ने आज तक केवल 1 रैली की है, और वो भी ऐसी रैली विफल रैली थी पूरी तरीके से। अब वो आज शाम को लौट आए होंगे अमेरिका से, तो अब मुझे नहीं पता, हो सकता कल परसों नरसों वो मैदान में कूद जाए, अब तो बहुत समय भी नहीं रह गया, आज तारीख हो गई 24, अब तो मतदान में कितना समय है, तो इस स्थिति में हो सकता है 1-2 रैलियां वो और करेंगे वहां पे, लेकिन ये वो मोदी जी नहीं है, और मोदी जी को भी पता है कि हरियाणा की लड़ाई हारी हुई लड़ाई है, जबकि मैं फिर से जोर दे के कहना चाहता हूं कि हरियाणा जिन मुद्दों के ऊपर लड़ा जा रहा है, हरियाणा का दंगल जिन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, वो मुद्दे हरियाणा के नहीं है, वो मुद्दे राष्ट्रीय हैं, और उनके और वो मुद्दे मोदी जी की नीतियों से निकले हैं, जैसे कि अग्निवीर मोदी जी की नीतियों से निकला है, किसान आंदोलन जिससे हम लोग कंगना रानावत के जरिए चर्चा कर रहे हैं वो मोदी जी की नीतियों से निकला है। मोदी जी की एक ये भी नीति है कि हम ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, ये मोदी जी की नीति है। मोदी जी अगर चाहते तो एक तिनके की तरह ब्रजभूषण सिंह को मच्छर की तरह मसल दिया जाता, आप क्या बात कर रहे हैं, अगर मोदी जी को मोदी जी चाहते हैं तो ब्रजभूषण शरण सिंह पोक्सो में जेल में सड़ रहे होते इस वक्त, उनकी जमानत नहीं हो रही होती। ये दो तीनों मोदी जी की चीजें हैं, तीनों राष्ट्रीय प्रकरण है, और ये हरियाणा का चुनाव केवल हरियाणा मनोहरलाल खट्टर की सरकार के ऊपर टिप्पणी नहीं होगा उनका नतीजा, ये नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर टिप्पणी होगा, और ये तमाम नीतियां उन्होंने तब नहीं बनाई है जब वो गठजोड़ सरकार में थे, तब बनाई है जब वो उनको स्पष्ट बहुमत था, ये समझने वाली बात है बहुत महत्वपूर्ण। हरियाणा के चुनाव पता नहीं लोग इस बात को क्यों नहीं कह रहे हैं, हरियाणा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पे हो रहा है, एकमात्र विधानसभा ऐसा चुनाव है जहां पे 3 राष्ट्रीय मुद्दे केंद्र में है। मनोहर खट्टर का जो कुशासन था वो तो है ही, अलग बात है, लेकिन यहाँ तो बाकायदा जी किसान जवान और पहलवान, हाँ ये हरियाणा के मुद्दे नहीं है, ये पूरे देश के मुद्दे हैं। ठीक बात है, इन मुद्दों पे तो कोई ध्यान गया ही नहीं। महाराष्ट्र की बात करते हैं, अमित शाह कमान संभाल रहे हैं महाराष्ट्र की, क्योंकि जैसे ही जम्मू कश्मीर और हरियाणा के नतीजे आएंगे उसके तुरंत बाद महाराष्ट्र की बातचीत शुरू हो जाएगी, महाराष्ट्र की तैयारी शुरू हो जाएगी। क्या लग रहा है अमित शाह के कमान संभालने के बाद महाराष्ट्र कुछ मैनेज हो पाएगा, कुछ तोड़फोड़ हो पाएगी, क्या महाराष्ट्र कैसे लड़ पाएगी बीजेपी? आप ये देखिए कि मेरी निगाह में पूरे देश में
भारतीय जनता पार्टी जिन दो जगहों पर तीन जगहों पर सर्वाधिक शक्तिशाली थी उसमें एक तो था गुजरात, दूसरा था उत्तर प्रदेश और शायद तीसरा था मध्य प्रदेश। इन तीन जगहों पर लगता ही नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार सकती है। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद में लगता ही नहीं था कि चुनाव हार सकती। राजस्थान में कांग्रेस चुनाव हार गई थी विधानसभा का, लेकिन अच्छी टक्कर दी थी। लेकिन महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में तो बुरी तरह कांग्रेस हार गई थी। गुजरात में कांग्रेस कभी कुछ कर ही नहीं पाती है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की क्या हालत थी हम सब लोगों को पता ही है। समाजवादी पार्टी भी नहीं, कुछ कोई तीर नहीं मारा था पिछले चुनाव में। और उत्तर प्रदेश का सारा चुनाव अमित शाह के कहने पे, अमित शाह की रणनीति के तहत जो जो जिस जिस तरह अमित शाह ने प्यादे चले अपने उस तरीके से हुआ। योगी आदित्यनाथ की कोई नहीं चली, उनके उनके कहने पे तो एक टिकट नहीं बदला गया। ये हालत थी। अब देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हाल हुआ। अब अभी भी अमित शाह सबसे बड़े रणनीतिकार बने हुए हैं और वो सब जगह जाते हैं बड़ी अदा के साथ, बिल्कुल इस तरह से अभी जाके कुछ वो जादू की छड़ी कर देंगे और वहां सब ठीक हो जाएगा। देखिए ये सब वक्त अब जा चुका है। महाराष्ट्र में तो चुनाव शुरू होने से पहले ही भाजपा की वोट पिट चुकी है। भाजपा वहां बुरी हालत में है। आप इस देश में किसी भी नॉन पॉलिटिकल आदमी से पूछिए जो राजनीतिक जिसको आप ये ना मानते हो किसी पार्टी का मेंबर है वगैरह, सब लोग आपको कहेंगे कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेतृत्व में ही कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस, यही इन तीनों का जो महाविकास अघाड़ी है वही चुनाव जीतेगा। कम ज्यादा हो सकता है, वो तो चुनाव नतीजे बताएंगे, लेकिन मुझे तो नहीं लगता, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं लगता। अच्छा, आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में उद्धव के चेहरे को सामने करके चुनाव लड़ना चाहिए, शरद पवार का चेहरा होना चाहिए, या कोई बिना सीएम का चेहरा किए महाराष्ट्र का चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए गठजोड़ों में जिस समय जब तक ऐसी स्थिति ना हो जैसी कि एनडीए की स्थिति है यहाँ पे, इसमें नरेंद्र मोदी के अलावा और कोई दूसरा चेहरा नहीं था, उसको चेहरे को सामने रख के चुनाव नहीं लड़ते हैं आमतौर पर। गठजोड़ जब चुनाव लड़ते हैं और जब उस वक्त और उस सूरत में जबकि तीनों पार्टियों में साइज और प्रभाव के आकार और प्रभाव के लिहाज से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। सबसे छोटी इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस है, लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस लोकसभा चुनाव बताते हैं कि मोटे तौर पे एक से ही हैं, बराबर है, है? और इनका विधर्म है तो वो। इसमें देखने की बात यह है कि उद्धव ठाकरे को आला कमान ने यह आश्वासन दे दिया है कि आप ही हमारे नेता हैं, चुनाव लड़िए, अगर आप चेहरा वगैरह सामने रख के चुनाव लड़ेंगे तो उससे बात नहीं बनती है, उससे दिक्कतें और पैदा होती है, चुनाव जीतने में दिक्कत पैदा। असली चुनौती यह है कि चुनाव जीतना है पहले अच्छी तरीके से। महाराष्ट्र में एक मैंने देख रहा था, एक मुद्दा बड़ा गुजरात के खिलाफ है। महाराष्ट्र के लोगों को, जनमानस को यह लगता है कि हमारे जितने उद्योग धंधे थे वो उठा के गुजरात भेज दिए गए, वरना हमारा जीएसटी का टैक्स आता, लोगों को रोजगार मिलता। गुजरात और महाराष्ट्र का जो चुनाव का जो तनाव है बीच में वो फिर उभरा है। मैंने पिछले दिनों मुंबई में दौरे में देखा और अभी भी हमारे महाराष्ट्र के ब्यूरो चीफ है मनीष, उनसे बात होती है तो ये बात सामने आती है। क्या लग रहा है आपको कि महाराष्ट्र और गुजरात का जो तनाव है वो बीजेपी को इतिहास है? इसका ही इतिहास है और वो इतिहास बड़ा लोकप्रिय है, सब लोग उसको जानते हैं। जिस वक्त महाराष्ट्र को जब राज्य जब भारत में भाषाई राज्य बनाने के लिए आंदोलन चल रहे थे तो वो एक महाराष्ट्र में भी बड़ा जबरदस्त आंदोलन चला था। बंबई किसकी राजधानी हो, गुजरात की राजधानी हो कि महाराष्ट्र की राजधानी हो, ये भी उसके अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा था। बंबई के ऊपर गुजराती बनियों और गुजराती उद्योगपतियों की धाक थी, वही लोग उसके ऊपर छाए हुए थे और बंबई में गुजरातियों के खिलाफ उस वक्त भी काफी असंतोष और काफी क्षोभ हुआ करता था। इसलिए बाल ठाकरे ने जब शिवसेना बनाई तो उसका एक मकसद दक्षिण भारतीयों पे हमले करना था और गुजरातियों पे हमले करना था। शिवसेना जो है वो मुसलमान विरोधी रूप तो शिवसेना ने 80 के दशक की शुरुआत में लिया है। उससे पहले शिवसेना 60 के दशक से लेकर और पूरे 70 के दशक तक गुजरातियों और दक्षिण भारतीयों को के साथ मारपीट करती थी। तो इन लोगों के खासतौर से दक्षिण भारतीयों के खिलाफ तो वो नाराजगी नहीं है, लेकिन वो नाराजगी जो उस वक्त गुजरातियों के खिलाफ थी जो बाद में धीरे धीरे खत्म हो गई, वो अभी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने जिस तरह से पिछले 10 साल में सरकार चलाई है और उसमें गुजरात का जो प्रभुत्व बनाया है, गुजराती व्यापारियों का जो प्रभुत्व बना है, उससे मुझे लगता ही है कि वो नाराजगी बंबई में फिर से ताजा हो गई है। इसी उसी का प्रभाव आप देखते हैं, इसका एक ऐतिहासिक रूप है और वो चीज दोबारा लौट के आ गई।
ये इस चुनाव में उतना ही तेजी और पकड़ेगी, ये चुनाव में और ये मुद्दा बनेगा कि भाई हमारे सारे अधिकार चले गए, या ये इसके कोई बीजेपी डैमेज कंट्रोल करेगी तो उसके बाद रणनीति क्या, कैसे रोक पाएगी इस चीज को? भाई बीजेपी इस वक्त डैमेज कंट्रोल कर कैसे सकती है? बीजेपी की देखिए महाराष्ट्र में बीजेपी की समस्याएं बहुत गहन और विशाल है। जैसे कि वो सरकार में है तो मराठा आरक्षण का एक प्रश्न है जो उनके गले में अटका हुआ है, उसकी वजह से उनको बहुत दिक्कत है मराठा आरक्षण की वजह से। अगर उद्धव ठाकरे की सरकार होती तो वो दिक्कत उनको झेलनी पड़ती, ऐसी बात नहीं है उद्धव ठाकरे की सरकार होती उनको दिक्कत नहीं झेलनी पड़ती, तो उनको दिक्कत झेलनी पड़ती। दूसरे जो महायुति के बीच में जो समन्वय है वो समन्वय भी बहुत, महायुति के बीच में समन्वय भी बहुत कमजोर है। सब लोग एक दूसरे के ऊपर शक करते हैं, सब लोग एक दूसरे की टांग काटने की कोशिश करते हैं। सत्ता में लगातार लंबे अरसे से हैं तो सत्ता के लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं, वो बंटवारा भी हो रहा है, उसके कारण भी इन लोगों में आपसी संघर्ष है बहुत। तो और दूसरे फडणवीस को मुख्यमंत्री के तौर पर तैयार किया गया था, मुख्यमंत्री रहे भी वो। अब राजनीति खुद भारतीय जनता पार्टी ने ही इस तरीके से चलाई कि वो आप मुख्यमंत्री की कुर्सी के नजदीक भी नहीं है। उन्हें भी पता है अगर महायुति अगर चुनाव जीता तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? एकनाथ शिंदे वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो भाजपा के हाथ से, भाजपा ने जिस बात को लेके उद्धव ठाकरे की सरकार तोड़ी थी इस नाराजगी से कि उन्होंने भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, उद्धव ठाकरे ने खुद मुख्यमंत्री बन बैठे। आज स्थिति हो गई है कि भाजपा चुनाव जीतने के बावजूद भी अपने व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बना पाएगी, तो भाजपा के सामने समस्याएं बहुत बड़ी है। ये बात ठीक है। और उधर एनकाउंटर पे बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में भी एक एनकाउंटर पे विवाद चल गया, उत्तर प्रदेश में एक और एनकाउंटर हुआ, अब किसे वो एक जाति विशेष के थे, तो वो ये हुआ कि यादवों को बैलेंस करने के लिए अब ठाकुरों का भी एनकाउंटर हो गया। उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है पूरी पूरी एनकाउंटर पे आकर टिक गई है, ये क्या किसी पार्टी विशेष को फायदा पहुंचा पाएगा? देखिए जिस दिन से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं और उन्होंने कानून और व्यवस्था के जरिए जनता के मन में जनता का हीरो बनने की जो उन्होंने उनकी कोशिश हुई, इसमें उन्होंने नीति ये बनाई, पुलिस को उसकी पूरी छूट दे दी कि आप अपराधियों की टांगों में गोली मारिए, आप ऑपरेशन लंगड़ा चलाइए, और अपराधियों के लिए ये चैलेंज फेंका, खुद मुख्यमंत्री ने चैलेंज फेंका, उनके समर्थकों ने चैलेंज फेंका कि वो सरेंडर कर दें वरना श्मशान जाने के लिए तैयार रहे, मरघट जाने के लिए तैयार रहे। उसके बाद में फिर अखबारों में इस तरह की खबरें छपी कि एक अपराधी जो कुछ सजा हिस्ट्री शीटर्स हैं वो खुद कह रहे हैं कि हम सरेंडर कर देंगे, हमें माफ कर दो, हमें हमारी जान बख्श दो, पूरा इस तरीके का माहौल बनाया गया उत्तर प्रदेश में। और इसमें फर्जी एनकाउंटर भी लगातार इस प्रक्रिया में होते रहे और फिर बुलडोजर न्याय भी चलता रहा है। तो ये सब चीजें जो चली तो उसमें शुरू में लगा कि एक बहुत बड़ा महानायक उभर रहा है, इसका नाम है योगी आदित्यनाथ, उसके पास एक ऐसी जादू की छड़ी है जो बुलडोजर न्याय और फर्जी एनकाउंटर से मिलकर बनी। तो अब आप देखिए उसका असर क्या हुआ, शुरू में आकर्षण भी हुआ उसका, कानून व्यवस्था के सवाल पे इनको थोड़े से इनकी तारीफें भी हुई और ऐसा माना गया कि जो वोट मिल रहे हैं उसमें इसकी प्रमुख भूमिका है, लेकिन लोकसभा चुनाव में तो इसका कोई असर दिखाई नहीं पड़ा। धीरे धीरे करके ये इस तरह की चीजें बहुत नुकसान पहुंचाती हैं और वो नुकसान इस वक्त भारतीय जनता पार्टी वहां पर झेल रही है। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से ये लोग उपचुनाव भी जीत पाएंगे, ये आगे जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें भी कुछ खास हासिल कर पाएंगे। देखिए जब वक्त आपके खिलाफ होता है तो इन्हीं चीजों पे आपकी आलोचना भी होने लगती है। अखिलेश और योगी आदित्यनाथ के बीच में जो तकरार चल रही है, जिस तरह की भाषा शैली का दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी से जाहिर है कि अखिलेश की भाषा शैली संयमित है और वो सोच समझ के अपने शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। योगी आदित्यनाथ अपनी उसी पुरानी शैली में है और इससे अखिलेश को आम जनता के बीच में अखिलेश को प्रशंसा मिल रही है और योगी आदित्यनाथ को एक हेकड़ आक्रामक इस तरह के मुख्यमंत्री के तौर पर उनको देखा जा रहा है। अच्छा एक बड़ा सवाल उठता है कि संघ योगी आदित्यनाथ को लेके क्या सोचता है, जिस तरह से योगी मोदी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो लोगों के जहन में सवाल उठता है कि योगी के पीछे क्या ताकत है जो मोदी के सामने वो खड़े हो जा रहे हैं, लोग मोदी का विकल्प बता दे रहे हैं, मोदी उनके विरुद्ध कुछ कर नहीं पा रहे, तो क्या संघ ताकत है योगी आदित्यनाथ के पीछे की
संघ वो हिम्मत है जो योगी आदित्यनाथ भिड़ पा रहे, संघ का संघ क्या क्या सोचना होगा योगी आदित्यनाथ? मेरी समझ तो यही है, देखिए संघ और मोदी के बीच में अंतर विरोध, और संघ जो है मोदी को नियंत्रित करना चाहता है। योगी आदित्यनाथ को संघ मानता है कि ये एक 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 एक, एक ऐसे नेता हैं जिनकी पीठ पे हाथ रखने से कोई नुकसान नहीं है। एक तो हिंदू धर्म भगवा वस्त्र पहनते हैं, महंत हैं, हिंदू धर्म के प्रतीक, उनको आसानी से ठहराया जा सकता है, उनको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और वो नरेंद्र मोदी की भी बात नहीं मानते हैं, नरेंद्र मोदी से नियंत्रित होने के लिए तैयार नहीं है। ये चीज संघ के लिए और संघ को लगता है कि ये उनका एक और सकारात्मक पहलू है। तो इस चक्कर में संघ ने योगी की पीठ पे हाथ रख दिया है। अब संघ जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अपने हाथ में लेगा, वैसे वैसे योगी जी और मजबूत होंगे और वो नरेंद्र मोदी के लिए और ज्यादा बड़ी चुनौती बनेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या हश्र होगा उनका, ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के अंदर का जो गृहयुद्ध है, उस गृहयुद्ध में योगी आदित्यनाथ मेरे ख्याल से संघ के योद्धा हैं मोदी के खिलाफ। इसमें देखिए जो जाति का संतुलन है कि योगी जी की ऊंची जाति होना, क्षत्रिय होना, और पिछड़ी जातियों का एक उभार होना, ये कहीं आड़े आएगा भविष्य में? आड़े आएगा, एक दूसरे के उलट, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। अभी देखिए अभिषेक उपाध्याय ने, ममता त्रिपाठी ने जो पोस्ट किया है, जिसके अंदर जो योगी जी का ठाकुर जाति से प्रेम है उसकी सब लिस्ट दी गई है, उसकी विवाद चल रहा है, उनकी खिलाफ FIR भी दर्ज कर दी गई है। इन जिस सरकार के अंदर इस प्रकार का आरोप लगेगा कि वो किसी एक जाति को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है, देखिए अखिलेश के जमाने में यादवों को विशेष प्रोत्साहन देने का आरोप लगा था, तो उसका नुकसान अखिलेश को हुआ कि नहीं हुआ? फायदा थोड़ी ना हुआ उसका, मेरा मानना है यादवों को भी नुकसान हुआ उसका एक समुदाय के तौर पर। ये इसमें भाजपा को फायदा हो ही नहीं सकता है भाई, जैसे जैसे ये आरोप लगेगा वैसे वैसे भाजपा को समर्थन देने वाली बिरादरियां भी सोचेंगी भाई कि ये क्यों हो रहा है, हमें क्यों नहीं फायदा मिल सकता भाई। अगर मान लीजिए 50 ठाकुर नियुक्त हो गए हैं, तो अगर 50 ठाकुर नियुक्त नहीं होते तो उसमें 10 दूसरी बिरादरियों के लोग, 10-5 दूसरी बिरादरियों के लोग भी होते ना। तो कोई भी सरकार हो, मेरा मानना है कोई भी सरकार हो, अगर किसी सरकार के ऊपर ये आरोप लगता है कि वो किसी खास समुदाय को ही सारा फायदा पहुंचा रही है, तो उसको नुकसान होना बिल्कुल तय है, फायदा हो ही नहीं सकता है ये। देखिए आपको ध्यान होगा, जब योगी आदित्यनाथ को पहली बार मुख्यमंत्री बनाया गया था तो इस प्रकार की चर्चाएं और समीक्षाएं आई थी कि भाई उत्तर प्रदेश में जातियों के बीच में बड़ी होड़ है, बहुत मतलब उसको कैसे निपटा जाए, तो एक ऐसे व्यक्ति को बना दिया गया है जो साधु है और साधु की कोई जात नहीं होती, प्रतिष्ठित तो बड़ा साधु है, 3 बार का सांसद है भारतीय जनता पार्टी का, तो कोई जात नहीं होती। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने इस तरह सरकार चलाई, उसमें वो योगी आदित्यनाथ की बजाय अजय सिंह बिष्ट के रूप में ज्यादा सामने आए, तो उस प्रक्रिया में, हाँ उस प्रक्रिया, उन्होंने एक बार ये भी कह दिया कि मुझे अपनी जात में पैदा होने पर अभिमान है, जो कहने की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं थी भाई। जब आप साधु हो गए तब तो आपको इस तरह की बातों से, आपकी इस तरह की बातें आपके दिमाग में भी नहीं आनी चाहिए, ठीक? आपको न केवल टेक्टिकली आप इन बातों को कहने से अपने आप को रोकेंगे, बल्कि आपके दिमाग में इस तरह की बातें आनी ही नहीं चाहिए। तो ये सब करके उन लोगों ने, इन्होंने जो माहौल बनाया है, उस माहौल के कारण ये सब बातें भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में नुकसानदेह। बिल्कुल ठीक बातें, आने वाले समय पे निगाह रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतना समय दिया। तो ये थे अभय दुबे जी, और आपने सुना कि कितनी शानदार बातचीत थी, मुझको यकीन है बातचीत पसंद आई होगी, मुझे जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी। शुक्रिया, थैंक यू।